गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी? तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सीआई खराला लाइव पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे, बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है वो किस टाइप में बटा हुआ है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दिल्ली पुलिस में भी, एसएससी सीजीएल में भी, आपके अभी DSSSB के वैकेंसीज निकलने वाली हैं और कुछ निकली हुई है, उनमें भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आइए इसको समझते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया। दोस्तों, जो बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया है उसको तीन कैटेगरी में बांट दिया। पहला सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक भारत का केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक हिंदी में, वाणिज्यिक बैंक। थर्ड स्पेशलाइज्ड बैंक या डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक, विकास बैंक। विकास बैंक, आप इसको स्पेशलाइज्ड बैंक भी बोल सकते हो, विशेषीकृत। तो बैंकिंग सिस्टम जो भारत का है वो तीन कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहला सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक। तो हर एक देश का एक केंद्रीय बैंक, जैसे भारत का क्या है, आरबीआई, इंग्लैंड का बैंक ऑफ इंग्लैंड, है ना। ऐसे ही हर एक देश का अपना एक सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक। दूसरा कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक। तो कमर्शियल बैंक भी बैंक होते हैं जहां पर आप सभी पब्लिक, आम पब्लिक खाता खुलवाती है, पैसा जमा करती है, लोन वगैरह ले सकती है। सारे बैंक जिसमें आपका अकाउंट खुला हुआ है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सारे कौन से बैंक है, कमर्शियल बैंक। इनको भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लिमिट कितने हैं, सरकारी कितने हैं, कौन सा कब खुला, सारी डिटेल में स्टडी करेंगे इनकी। और डेवलपमेंट बैंक, तो डेवलपमेंट बैंक वे बैंक होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करने के लिए, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को करने के लिए नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। और इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करने के लिए सिडबी, आईडीबीआई, मुद्रा बैंक, इन बैंकों की शुरुआत की गई थी, है ना। तो ये डेवलपमेंट बैंक है। डेवलपमेंट बैंक का मतलब क्या है, किसी एक स्पेशल एरिया को डेवलप करने के लिए जिन बैंकों की शुरुआत की जाती है उनको हम डेवलपमेंट बैंक कहते हैं। तो इनके बारे में भी हम कुछ इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपोर्टेंट बैंक है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक, आज की क्लास का जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा सेंट्रल बैंक। आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल की, DSSSB की, MPS हो, या फिर क्या नाम है, दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम हुआ था आने वाले, जो भी किसी भी लेवल का, चाहे आपका किसी पर्टिकुलर यूपी पुलिस से भी वैकेंसीज आई है, काफी 60,000 के आसपास वैकेंसी है, चाहे आप उसकी तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसमें। जैसे हम लोग ये सोचते हैं कि भाई यूपी पुलिस की वैकेंसी निकली हुई है तो यूपी पुलिस का ही कोर्स परचेज कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब पिछली बार जैसे दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ, अब की बार भी हुआ, सीजीएल लेवल की जो तैयारी कर रहे थे, अगर वो भी 25-30 मार्क्स ला रहे थे तो बहुत बड़ी बात थी, क्वेश्चन नहीं हिल रहे थे। तो दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल का ही जीएस का पेपर इतना मुश्किल हो गया था कि सीजीएल वाले एक बच्चे को भी ना नहीं याद आ रही थी कि भाई कैसे मार्क्स आए, कैसे क्या। वो तो पिछली बार का तो आपको भी पता है कि भाई पेपर थोड़ा सा लीक हो गया था, उसमें इंक्वायरी भी चली हुई है। इसकी बार का भी पेपर ऐसा ही था, दिल्ली पुलिस का काफी टफ पेपर बनाया हुआ। तो जीएस का ऐसा नहीं है कि एक स्पेशल क्राइटेरिया बना दिया गया कि आप उसी एग्जाम के लिए तैयारी करोगे तो आपको ज्यादा डेप्थ में तैयारी करनी पड़ेगी, इस एग्जाम की तैयारी करोगे तो ऊपर से तैयारी करनी पड़ेगी। तो जीएस का पेपर ना आप बना रहे ना हम बना रहे, तो जीएस को आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ाओ पढ़ाएंगे हम, जैसे आरबीआई पढ़ेंगे। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे इतना डीप
डील कुछ नहीं होता, चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तो चीजें आसानी से समझ आ जाती है, तो याद करने में आसानी होती। तो अपने स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज की क्लास का जो टॉपिक हमारा वो है आरबीआई। क्या है आरबीआई? आरबीआई से जितने भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आए हैं सारे डिस्कस करेंगे, या जितने भी क्वेश्चन से बन सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। अब सेंट्रल बैंक क्या होता है? बैंकों का बैंक, सभी बैंकों को कंट्रोल करने वाला, सरकार का बैंक, जहां पर सरकार के जो लेखा जोखा, सरकार की जो ट्रांजेक्शन करे वो बैंक, यानी कि आरबीआई क्या है? आरबीआई सरकार का बैंक है। और दूसरा बैंकों का बैंक है, बैंकों को कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है। दूसरा, काफी सारे बच्चों को पता होगा कि भाई इन्फ्लेशन डिफ्लेशन चलती रहती है, महंगाई मंदी, तो महंगाई मंदी को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का निर्माण किया गया। वो किसके द्वारा किया गया? आरबीआई के द्वारा ही किया गया था। इन एंड आउट सारे जितने भी क्वेश्चन है सारे डिस्कस करेंगे। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। तो आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935। किस कानून के तहत हुई? एक कानून पास किया गया था, आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934, इसके तहत आरबीआई की स्थापना की गई। तो आपने टाइम पे ध्यान दिया हो, टाइम 1935। क्या इससे पहले भारत का कोई केंद्रीय बैंक नहीं? क्या 1935 से पहले भारत का क्या कोई अपना कोई सेंट्रल बैंक नहीं? तो जवाब है नहीं था। कौन था? तो देखो, भारत गुलाम, हम गुलामी से आजादी मिली हमें 47, लेकिन एक्चुअल में जो आजादी की लड़ाई है उसकी शुरुआत वो मानी जाती है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे भारत की असली आजादी की लड़ाई की शुरुआत मानी जाती है। लगभग 100 साल बाद हमें ये एहसास हुआ था कि हम लोग गुलाम हैं, और लगभग 100 साल हमें गुलामी से आजादी लेने के लिए लग गए, और लोगों को यह समझाने के लिए कि हम लोग गुलाम हैं अंग्रेजों के, हमें उस गुलामी से आजादी चाहिए। तो लगभग 100 साल हमें यह समझ आया और 100 साल हमें समझाने में लग गए कि हम लोग गुलाम। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे अंग्रेजों को यह एहसास, क्रांति हुई थी 1857 की, उससे अंग्रेजों को ये एहसास हो गया था कि अब भारत में हमारी दाल उतनी आसानी से नहीं गलने वाली है, हमें कुछ एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे भारत में रहने के लिए, भारत के ऊपर राज करने के लिए, क्योंकि भारत के लोग है जो जागरूक होते जा रहे हैं, वो अनशन आंदोलन लगातार फैलते जा रहे थे। तो 1857 की क्रांति के बाद भारत, उस टाइम की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या भारत सरकार ने क्या किया, 1861 में भारत में 3 बैंक कार्य कर रहे थे। उन 3 बैंकों का नाम क्या था? उन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था, भारत के प्रेसिडेंसी बैंक। तो वे 3 बैंक थे, पहला था बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा था बैंक ऑफ बॉम्बे, थर्ड बैंक ऑफ मद्रास। अगर बात करें आपकी कि बैंक ऑफ बंगाल की जो स्थापना है दोस्तों वो हुई थी 1809 में, बैंक ऑफ बॉम्बे की जो स्थापना है वो हुई थी 1840, और बैंक ऑफ मद्रास की जो स्थापना है वो हुई थी आपकी 1853। अगर थोड़ा सा और बैंक चले हैं तो आप लोगों को बताऊं कि एक बैंक था बैंक ऑफ कलकत्ता, इसकी स्थापना 1806 में हुई थी, बैंक ऑफ कलकत्ता।
इसकी स्थापना 1806 में हुई थी और इस बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बदलकर बैंक ट्रस्ट कर दिया गया। कब किया गया था? 1809 में। तो ये तीन बैंक थे हमारे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को क्या कहा जाता था? इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया। तो ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक्स भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करने लग गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट कर दी थी। कब की गई थी? 1861 में। 1861 से पहले क्या था? टॉप कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करती थी। जो केंद्रीय बैंक के कार्य है जितने भी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी देखती। मेन काम क्या था? नोट वगैरह सब केंद्रीय बैंक का ही काम वगैरह था। तो 1861 से भारत में जो केंद्रीय बैंक के रूप में जो कार्य कर रहे थे वो कौन थे? प्रेसिडेंसी बैंक। वो कितने बैंक थे? तीन बैंक थे। कौन कौन से थे? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। याद करने के लिए आप बी बी एम, बी से बंगाल, बी से बॉम्बे और एम से मद्रास, आप इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में डाल दो। बॉम्बे और बंगाल में अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आएगा? बंगाल आएगा। सबसे पहले बंगाल, उसके बाद बॉम्बे, उसके बाद मद्रास। 1809, 1840 और 1847। तो ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करने लग गए। लेकिन आप लोगों को भी पता है कि हमें तो आजादी मिली 1947 में, आजादी मिल गई थी। तो क्या हुआ? अंग्रेजों को भी लगातार, अंग्रेजों को भी लगातार एहसास होता जा रहा था कि वे आसानी से दाल नहीं गिर रही है, क्या किया जाए। तो हाथ पैर मार रहे थे, जैसे डूबता हुआ क्या नहीं करता, इधर उधर हाथ पैर मारता है, ऐसे ही अंग्रेज कर रहे थे। कि उसके बाद क्या किया, 1921 में एक सेकेंड, इसके बाद ये तीनों क्या थे हमारे? प्रेसिडेंसी बैंक। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज कर दिया गया। मर्ज करके 1921 में एक बैंक बना दिया गया। उस बैंक का नाम क्या रखा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो क्या कहानी थी? 1861 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कार्य करती थी, 1861 से प्रेसिडेंसी बैंक भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करने लगे। प्रेसिडेंसी बैंकों को मर्ज करके एक बैंक बना दिया गया और उस बैंक का नाम क्या रखा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये ऐसा क्यों किया गया? वही है कि वो ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक वो राज करना चाहते थे और यहाँ से लूट खसोट भी ज्यादा करनी थी। तो और लोगों को ये भी दिखाना था कि हम आपके हित के लिए कार्य कर रहे हैं, यहाँ से सिर्फ लूट खसोट करने हम लोग नहीं आए। तो उन्होंने क्या किया, तीन चोर थे, तीन चोरों का नाम अलग अलग था, उनको मर्ज करके उन तीन चोरों का नाम एक कर दिया, एक जगह बैठा दिया गया। नाम क्या रख दिया उसका? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन काम वही होते रहे जो आपको भी पता है और हमें भी पता है। क्या हुआ? उनका मेन और काम क्या था? यहाँ से वेल्थ को ड्रेन करना, पैसा को यहाँ से इंग्लैंड में पहुंचाना ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता था। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम करने के बाद भी, तीनों को मर्ज करने के बाद भी इसी बात नहीं गली। तो क्या हुआ, उन्होंने एक कमेटी बनाई, 1926 में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम क्या रखा? हिल्टन यंग या रॉयल कमीशन, हिल्टन यंग प्लान या रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन। तो हिल्टन यंग प्लान रॉयल कमीशन, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की और उसमें यह कहा गया कि अगर आप, जाहिर सी बात है, अगर आप किसी इंसान की फितरत को बदलना चाहते हो तो आप इंसान ही बदलो, इंसान की फितरत नहीं बदल सकते। अब जब पहले ये तीन थे, ये तीनों चोर थे, इन तीनों चोरों को आपने एक बना दिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या इस इंसान को वही रहा, उसके इंसान का नाम बदलने से उसकी फितरत थोड़ी बदल जाएगी। तो अगर आप फितरत बदलनी है तो इंसान का नाम नहीं, इंसान को ही बदलो। तो उन्होंने ये सुझाव दिया कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया
से आप सारे सेंट्रल बैंक के फंक्शन लेकर किसी एक नई संस्था को दे दो, किसी एक नई संस्था का निर्माण करो, गठन करो, और उस संस्था को आप केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करने के अधिकार सारे उसको दे दो। तो इस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर उस समय की भारत सरकार ने एक एक्ट पास किया, उस एक्ट का नाम क्या था, आरबीआई एक्ट 1934। और इस एक्ट के तहत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से, इस एक्ट के तहत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करने के सारे अधिकार लेकर और किसको दे दिए गए, एक नई संस्था जिसका नाम क्या रखा था, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसी एक्ट के तहत आरबीआई की जो स्थापना है दोस्तों वो कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई। तो यहां से काफी सारे क्वेश्चन बने कि क्वेश्चन है क्या आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेसिडेंसी बैंक नहीं है, किस प्रेसिडेंस की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये क्वेश्चन भी बन सकते। तो यहां से 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। बैंक ऑफ बंगाल का पहले नाम क्या था, बैंक ऑफ कलकत्ता, कब उसकी स्थापना कब हुई थी, 1886। बैंक ऑफ कलकत्ता का नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कब किया गया, 1809 में। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई, 1840। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई, 1843 में। प्रेसिडेंसी बैंकों का मर्जर बैंक ऑफ बॉम्बे बैंक ऑफ बंगाल में मर्जर किस वर्ष हुआ, 1921 में। इन तीनों का मर्जर करके क्या उस बैंक का नाम क्या नाम किया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से सारे सेंट्रल बैंक के रूप में सारे फंक्शन लेकर किसको दे दिए गए, आरबीआई को दे दिए गए। आरबीआई की स्थापना काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आरबीआई की स्थापना किस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर, किस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर, किस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर आरबीआई की स्थापना की गई, तो हिल्टन ईयर प्लान या अप्रूवल कमीशन, और किस कानून के तहत आरबीआई की स्थापना हुई, आरबीआई एक्ट 1930। अब सवाल ये था कि 35 में आपने सारे तो इससे ले लिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से, क्या इसके बाद ये बैंक बंद, जवाब है नहीं, ये बैंक बंद नहीं हुआ। ये बैंक अब नॉर्मल बैंक की तरह काम करने लग गया, पब्लिक का अकाउंट संभालने लग गया, लोगों का पैसा रखता था, लोगों को लोन देता था, है ना, एक कमर्शियल बैंक की तरह ट्रीट करने लग गया। आगे चल के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI कर दिया गया, और ये किया गया 1 जुलाई 1955 को। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कब किया गया, 1 जुलाई 1955। तो यहां से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन और बन गया आपका कि भाई SBI की स्थापना किस वर्ष हुई, SBI की स्थापना दोस्तों 1 जुलाई 1955 को ही हुई थी, क्योंकि उससे पहले क्या था SBI का नाम, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो काफी सारे बच्चे क्लास में पूछते थे कि भाई क्या SBI पहले भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता था, तो जो आप नहीं, SBI नहीं करता था, कौन सा बैंक करता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और वो 35 में उससे सारे फंक्शन लेकर आरबीआई को दे दिए गए, और 75 में उसका नाम बदलकर SBI किया गया। तो ये आरबीआई की कुछ हिस्ट्री है, हिस्ट्री का कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और या आ सकते हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब हम शुरुआत कब से की थी, 1861 से, कहां पर पहुंच गए हम, 1935 तक आरबीआई में पहुंच गए। और वैसे ये आपकी साइड स्टोरी, जो कमर्शियल बैंक में हम भारत के जो सरकारी बैंक है उसमें पढ़ेंगे कि भाई SBI कौन सा बैंक है, तो SBI सरकारी बैंकों में सबसे बड़ा बैंक SBI 20,219 के आसपास इसकी टोटल ब्रांचेज है, उसको हम कमर्शियल बैंक में ही पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसे वापस लौटते हैं आरबीआई। अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। ये अब की बार भी दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, और किस एक्ट से के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना, और किस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर आरबीआई की स्थापना की गई थी, वो था हिल्टन यंग प्लान या रॉयल कमीशन, रॉयल कमीशन। और इस कमेटी का निर्माण कब किया गया था, 1926 में। और दूसरा जो अगला, आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ, आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है, मुख्यालय कहाँ,
आरबीआई का हेड ऑफिस वर्तमान समय में मुंबई में है, लेकिन पहले कहां था? कलकत्ता में। तो दोस्तों पहले अंग्रेजों ने हमारी जो देश की जो राजधानी है वो कलकत्ता निर्धारित कर रखी थी। 11-12 के आसपास कलकत्ता से शिफ्ट करके हम कहां आए थे? दिल्ली में आए थे। और दिल्ली को हमारे देश की राजधानी घोषित कर दिया गया था, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो फाइनेंशियल रूप से कैपिटलिस्ट उसमें देखें तो मुंबई, क्योंकि पोर्ट बंदर यहाँ के आसपास पड़ती है, तो आते हैं यहाँ। पहले उनको क्या करना पड़ता था? यहाँ से आते थे घूमते पूरा, यहाँ पर कलकत्ता के कलकत्ता। तो इसलिए पहले जितने भी आपने देखे हो, जितने भी संस्थाएं थी, मोस्टली हेडक्वार्टर कहाँ थी? कलकत्ता। और अब कहाँ पढ़ रहे हो आप? मुंबई। तो पहले कहा था आरबीआई का हेडक्वार्टर? कलकत्ता। वर्तमान समय में कहा है? मुंबई। कलकत्ता कब था? 1935 में। और वर्तमान में कहा है? मुंबई। और मुंबई कब शिफ्ट हुआ? 1937 में। तो वर्तमान समय में आरबीआई का जो हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में है। तो बिफोर 1937 इट वॉज इन, तो 1937 से पहले यह कलकत्ता में। आरबीआई की जब स्थापना की गई थी दोस्तों, तो कितनी पूंजी से आरबीआई की स्थापना हुई थी? प्राइस कैपिटल कितनी थी उसकी? तो पूंजी कैपिटल जिससे आरबीआई की शुरुआत की गई, पूंजी, तो वो थी दोस्तों 5 करोड़। कितनी थी? 5 करोड़। अगर इसमें बात करें ऑफ द रिकॉर्ड, अगर जाके बात करें हम, जैसे पहले इसी को कैसे तोड़ा हुआ था, 5 लाख इक्विटी शेयर, एट द रेट 100 रुपीज, 100 रुपीज। तो 5 लाख इक्विटी शेयर में इस वैल्यू को तोड़ा हुआ था, और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए थी। 100 इंटू में 5 लाख करते हैं, 5 करोड़ वैल्यू निकल के आती है। तो अगर ऑफ द रिकॉर्ड अगर बात करें, तो एप्रोक्स इस 5 करोड़ में से लगभग 4 करोड़ 70 लाख की वैल्यू का जो मालिक था वो ब्रिटिशर्स थे। तो वो कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। और बची हुई लगभग 30 लाख तक की वैल्यू का जो मालिक है वो कौन था? वो थी भारत सरकार, वो थी कौन? गवर्नमेंट। तो आप सोचिए जरा कि 5 करोड़ की पूंजी से जिस संस्था की शुरुआत की जा रही है उसमें सरकार का हिस्सा मात्र 30 लाख रुपए, प्राइवेट लोगों का हिस्सा, ब्रिटिशर्स का हिस्सा 4 करोड़ 70 लाख रुपए। तो आप सोचिए यह संस्था सरकारी थी या प्राइवेट थी? प्राइवेट थी। और हमें आजादी कब मिली? 1947 में। भारत सरकार ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि वह भारत का एक केंद्रीय बैंक आरबीआई और वो प्राइवेट लोगों के हाथ। क्यों? एक कंपनी ही तो भारत में व्यापार करने आई थी, उस कंपनी ने भारत को लगभग 200 सालों तक गुलाम बना के रखा। तो अब जब हम आजादी मिली, हमें हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक, जो देश की अर्थव्यवस्था की नींव होता है, और वो प्राइवेट लोगों के हाथ में, तो भारत सरकार को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। तो भारत सरकार ने आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया। अब क्या होता है, किसी प्राइवेट संस्था को सरकारी बनाना राष्ट्रीयकरण कहलाता है, नेशनलाइजेशन कहलाता है। और अगर किसी सरकारी संस्था को प्राइवेट बनाना, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण कहलाता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ कब आपका? वो हुआ आपका 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। ये पैट क्वेश्चन रहा है SSC, राष्ट्रीयकरण मतलब आरबीआई पूर्णतः भारत सरकार के कंट्रोल में आ गया। कब आया? 1 जनवरी 1949। यहां तक कोई डाउट किसी का? अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल सकते हैं। और कोई ऐसी चीज लगती है जो छूट गई है, 99.99% ऐसा होगा नहीं कि कोई क्लास या कोई क्वेश्चन छूट जाए, अगर फिर भी अगर छूट जाता तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
आरबीआई की स्थापना अप्रैल 35 में किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर? हिल्टन यंग क्लास रॉयल कमीशन को कमेटी कंपनी 1926 में। आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में। कब से है 1937 से। पहले कहाँ था? कलकत्ता में था। 1935 से 37 दो साल कलकत्ता में रहा, फिर शिफ्ट करके कहाँ कर दिया गया? बॉम्बे में। तो कितनी पूंजी से आरबीआई की स्थापना हुई थी? वह 5 करोड़। और उस पूंजी को तोड़ा हुआ था 5 लाख इक्विटी शेयर में, और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए। और आरबीआई पहले प्राइवेट लोगों के हाथ में था, प्राइवेट कंट्रोल था, प्राइवेट लोगों का कंट्रोल था उसके ऊपर। और आरबीआई का वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो आरबीआई पूर्णतः भारत सरकार के कंट्रोल में है। तो भारत सरकार के कंट्रोल में कब आया? तो वो आया 1 जनवरी 1959। और हम बात करते हैं कि आरबीआई का जो लोगो है उस लोगो किसकी है, आरबीआई के लोगो पर पिक्चर किसकी है? तो उसमें दो पिक्चर है, एक है पाम ट्री और एक है टाइगर। पाम ट्री और टाइगर। और पाम ट्री, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? पाम ट्री। पाम ट्री ताड़ का पेड़। ताड़ का पेड़ पाम ट्री। और ये टाइगर, मोस्टली बच्चों को पता हो टाइगर हमारे देश का नेशनल एनिमल। क्वेश्चन ये नहीं आता कि देश का नेशनल एनिमल कौन है, सभी को पता है टाइगर। क्वेश्चन ये आता है कब बना, तो दिमाग होगा टाइगर को देश का नेशनल एनिमल कब घोषित किया गया, तो वो कब घोषित किया गया था? 1972 में। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। तो क्या 35 से लेकर 72 तक आरबीआई के लोगों पर टाइगर की पिक्चर थी? तो जवाब है नहीं। तो उस दौरान टाइगर की जगह पर किसकी पिक्चर होती थी? लायन की पिक्चर होती थी। और 1972 में जब टाइगर को देश का नेशनल एनिमल घोषित किया गया, तब उसके बाद आरबीआई के लोगों पर किसकी पिक्चर आ गई? टाइगर की पिक्चर आ गई लायन की जगह पर। तो आरबीआई के लोगों पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये, आरबीआई के लोगों पर दो पिक्चर है, एक तो पाम ट्री ताड़ का पेड़ और दूसरा टाइगर। तो टाइगर की फोटो कब आई? 1972 में आई थी। और 1972 से पहले किसके थी? लायन की पिक्चर हुआ करती थी। तो यहां तक उम्मीद करता हूँ सारा क्लियर होगा। चलो अब फिर अपना बढ़ते हैं अपने आगे क्लास की तरफ। तो हम देखते हैं कि भाई आरबीआई एक समय में आरबीआई के मैक्सिमम कितने गवर्नर हो सकते हैं, कितने गवर्नर होते हैं मैक्सिमम एक टाइम पर आरबीआई में? आरबीआई के मैक्सिमम गवर्नर एक टाइम पर एक होता है। और उस गवर्नर का मैक्सिमम टेन्योर अधिकतम कार्यकाल कितना? मैक्सिमम टेन्योर ऑफ आरबीआई गवर्नर, मैक्सिमम टेन्योर ऑफ आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? अधिकतम कार्यकाल किसका? गवर्नर का। तो कितना होता है दोस्तों? होता है 5 साल। और 65 ईयर एज विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाए। तो आरबीआई के गवर्नर को जो टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, वो कितने साल का होता है दोस्तों? वो होता है 5 साल। उस पीरियड को तोड़ा हुआ होता है 3+2 में, अपॉइंट किया जाता है 3 साल के लिए, फिर उसका कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसे करके टोटल कितने साल का हो जाता है? 5 साल का हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि भाई कोई 50 साल की उम्र में गवर्नर बन गया और वो 65 साल की उम्र तक गवर्नर रहेगा, नहीं।
मैक्सिमम टेन्योर 5 साल, वैसे सरकार की मर्जी होती है, सरकार चाहे जब तक कर सकती है। जैसे अगर वर्तमान समय की अगर बात की जाए तो वर्तमान समय में आज के जो गवर्नर है श्रीकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर है, जिनको 12 दिसंबर 2018 को भारत सरकार ने आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया था, और बात की जाए उनकी 11 दिसंबर 2023 को उनके पूरे 5 साल का टेन्योर पूर्ण हो गया, लेकिन वही था 5 साल से टेन्योर क्या हो चुका है फुल हो चुका है। भारत सरकार की मर्जी है, वो अगर बढ़ाना चाहे तो ये बढ़ा सकती है, उसके ऊपर कितना लिखा हुआ है। ऐसे ही आरबीआई के डेप्टी गवर्नर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, हो सकते हैं 4। तो ऐसा नहीं है कि भाई 4 ही कंपल्सरी चाहिए, 2 से भी कम, 3 से भी। काफी समय ऐसा निकला कि भाई 3 ही डेप्टी गवर्नर थे या 2 ही थे, तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, वो है 4। तो मैक्सिमम टेन्योर ऑफ डेप्टी गवर्नर का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है, तो वो भी होता है दोस्तों 5 साल। कितना 5 साल या 62 ईयर एज, 62 साल उम्र गवर्नर की कितनी है 65 वर्ष, और इसकी कितनी है 62 साल, इसका भी पीरियड 3+2 में थोड़ा हुआ है। क्लियर है यहां तक? तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई, हिल्टन यंग प्लान या रॉयल कमीशन। वो कमेटी का निर्माण कब किया गया था, 1926 में, और किस कानून के तहत आरबीआई की स्थापना हुई, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। और जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो कितनी पूंजी से उसकी स्थापना हुई थी, तो वो थी 5 लाख इक्विटी शेयर में, और एक शेयर की वैल्यू कितनी थी 100 रुपए। आरबीआई के लोगों पर पिक्चर किसकी है, पाम ट्री की, टाइगर की। तो टाइगर कब से आरबीआई के लोगों पर, वो 1972 से, उससे पहले क्या था, लॉयन की पिक्चर थी। 1972 में टाइगर हमारे देश का नेशनल एनिमल बना। और आरबीआई का जो गवर्नर है उसका मैक्सिमम टेन्योर कितना हो सकता है, वो हो सकता है 5 साल, और एज अगर देखी जाए तो 65 ईयर एज, जो भी पहले हो जाए विचावरी सर लिए। और आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर वो है, उसका मैक्सिमम टेन्योर उसका भी 5 साल, और एज 62 ईयर, विचावर इज और लियर, जो भी पहले हो जाए। और ये जो पीरियड है ये भी दोस्तों 3+2 में थोड़ा हुआ है। अब बात करते हैं आरबीआई के गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर यहाँ से, फिर उसके बाद देखेंगे हम आरबीआई के कार्य क्या है, आरबीआई फंक्शन क्या करता है, फिर आरबीआई समाप्त हो जाएगा, और फिर उसके बाद आरबीआई से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और वर्तमान समय में दिल्ली पुलिस में जितने पेपर में क्वेश्चन आए हैं, यहाँ से काफी क्वेश्चन आए हैं आपके आरबीआई से, तो वो सारे भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखते हैं आरबीआई के गवर्नर कितने हैं, तो आप अपना कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, लिस्ट ऑफ आरबीआई गवर्नर्स, आरबीआई गवर्नर की सूची। पहले नंबर पे जैसे अगर बात की जाए, पहला गवर्नर कौन है, तो वो है सर ओसबोर्न स्मिथ। लिस्ट ऑफ आरबीआई गवर्नर, पहले नंबर पे सर ओसबोर्न स्मिथ, और वर्तमान समय में कौन बताया था आपको, शक्तिकांत दास। तो ये वर्तमान समय में हमारे देश के क्या है, आरबीआई के क्या है, गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। कब बताया था 12 दिसंबर 2018 से। अभी चर्चा करेंगे कौन से नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं, 25th गवर्नर है आरबीआई। क्लियर है यहां तक? पहला गवर्नर कौन बताया, सर ओसबोर्न स्मिथ। जो जितने भी इम्पोर्टेंट गवर्नर मैं आप लोगों को लिखूंगा सारे इम्पोर्टेंट होंगे, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला सर ओसबोर्न स्मिथ 1935 से 43, पहला आप लिखो सर ओसबोर्न स्मिथ वो कब से कब बना, कब था, 1 अप्रैल 1935, और कब तक रहे, 1937 तक। देखो डेट पूरी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, याद करने में तो चीजें एक ही चीज में गहराई में कितना भी उतर जाओ उसकी गहराई कभी खत्म नहीं होगी,
तो जैसे मैं इकोनॉमिक्स को क्या डेफिनेशन दूंगा, भाई इकोनॉमिक्स एक ऐसा सागर है जिसकी गहराई का अंत नहीं है। आप उसमें उतर तो जाओगे, नीचे जाना चाहते हो तो कितना भी डीप में चले जाओ, थक जाते चले जाओगे, खत्म नहीं होगा। तो याद करना है आपको, सिर्फ आप इस पीरियड पर फोकस रखिए, इतना ही एग्जाम में हुआ है, उससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा। अगर पूछ जाता है तो वो उन चीजों में आ जाती है कितना याद करवाओगे। दिमाग में कैपेसिटी होती है, फट जाएगा किसी दिन तो उतना ज्यादा ना तो याद करना हो ना नहीं। अगर आप 50 क्वेश्चन जीएस के दे रहे हो, 50 में से 5 क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि भाई कितना भी बड़ा बड़े से बड़ा तुरंत खा के ना बिठाओ, उसका भी दिमाग एक बार हिलेगा। वो 5 क्वेश्चन नहीं होंगे अटेम्प्ट, जीएस में कभी फुल आउट ऑफ फुल नहीं आते। ये मैथ और रीजनिंग नहीं है, 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे कि भाई जो हर किसी का एक बार जो दिमाग है मोटिवेशन डगमगाएगा। पहला क्या है, ऑसबोर्न स्मिथ, कब से कब रहा, 1935 से 37 में। और सेकंड गवर्नर जो आए वो हमारे आए जेम्स ब्रेड टेलर। तो ये पहले थे इसलिए इंपोर्टेंट थे, पहला हमेशा इंपोर्टेंट होता है। तो फिर हमने दूसरा क्यों लिखा, जेम्स ब्रेड टेलर क्यों लिख रहे हैं हम, तो ये इंपोर्टेंट इसलिए है जैसे वो पहले गवर्नर है, ऐसे पहले डेप्यूटी गवर्नर भी तो होंगे। एक समय में डेप्यूटी गवर्नर कितने हो सकते हैं, 4। तो पहला डेप्यूटी गवर्नर किन को नियुक्त किया गया था, तो वो डेप्यूटी गवर्नर की लिस्ट में तो लिखेंगे, लेकिन उनको बाद में गवर्नर भी बनाया गया। तो जेम्स ब्रेड टेलर फर्स्ट डेप्यूटी गवर्नर थे, फर्स्ट डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, फर्स्ट डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई वो कौन थे, जेम्स ब्रेड टेलर। आगे चल के भारत के दूसरे आरबीआई के गवर्नर बने जेम्स ब्रेड टेलर। और 17 फरवरी पीरियड आपको लिखना है 1937 से 43 तक, और 17 फरवरी 1943 को उनकी अपने ऑफिस में ही, अपने कार्यालय में ही मृत्यु हो गई। तो अपने ही ऑफिस में इनकी मृत्यु हुई थी, जेम्स ब्रेड टेलर जो आरबीआई के गवर्नर थे, ही डाइड व्हाइल इन ऑफिस। तो जेम्स ब्रेड टेलर इंपोर्टेंट इसलिए वो फर्स्ट डेप्यूटी गवर्नर थे, और हमारे देश के आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर बने, दूसरे नंबर के गवर्नर बने। अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, और उसमें पूरे 25 नहीं लिखेंगे हम, 5-7 लिखेंगे बस, उसमें से 2 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। थर्ड गवर्नर कौन है, सर सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका गवर्नर में, क्योंकि इकलौते गवर्नर हैं जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लिखा और जीत। और सीडी देशमुख क्यों हम लिख रहे हैं, ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर। पहले भारतीय गवर्नर कौन है, सर सीडी देशमुख। कब से कब रहे, 1943 से 49 तक। अगर हम बात करें ऑसबोर्न स्मिथ की, 1935 से 37, उसके बाद टेलर जेम्स ब्रेड टेलर 37 से 43, उसके बाद के कौन आ गए, तीसरे नंबर के गवर्नर सीडी देशमुख 43 से 49। और वो क्या इंपोर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर, पहले बात की, और इकलौते गवर्नर जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा जीत। 1955 में वो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, और जिन्होंने बजट को पहली बार हिंदी में भी प्रिंट करवाया। 1955 से पहले बजट सिर्फ इंग्लिश में प्रिंट होता था, उसके 1955 के बाद बजट इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रिंट होता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रिंट करवाने का श्रेय किनको जाता है, तो वो जाता है सीडी देशमुख। और आपने अगर पीरियड पे अगर फोकस किया हो, पीरियड कब से कब है, 43 से 49। इस बीच 47 में हमारा देश आजाद हो गया, तो टाइम पे फोकस करो आप। 47 में तो गुलाम भारत के आखिरी आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख, आजाद भारत के आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख। और अब पीरियड देखो, 30 जून 1949, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई क्या हो गया था, नेशनलाइज हो गया था, भारत सरकार के कंट्रोल में आ गया था, भारत सरकार के अधीन आ गया था। तो ब्रिटिश काल के कंट्रोल के आरबीआई में आखिरी गवर्नर कौन थे, सर सीडी देशमुख। भारत सरकार के जब अधीन आया तो भारत सरकार के कंट्रोल में आने के बाद आरबीआई का पहला गवर्नर सर सीडी देशमुख। बोला था ये काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपका।
तो सर सीडी देशमुख काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आप लिखो फोर्थ नंबर के गवर्नर सर बेनिगल रामा राव। सर बेनिगल रामा अब तक देखो जितने भी लिखे सारे इंपोर्टेंट है, क्यों इंपोर्टेंट है वो भी लिखे। पहला तो पहला और जो दूसरे नंबर का था वो पहला डेप्यूटी गवर्नर और तीसरे नंबर वाला पहला भारतीय गवर्नर। उसके बाद चौथे नंबर के जो गवर्नर आए वो आए बेनिगल रामा राव। वो कब से कब थे? 49 से 57। और जो टेन्योर है वो इनका टेन्योर याद करना ज्यादा जरूरी है। आपका है 7 साल 197 दिन। क्यों? मैक्सिमम टेन्योर है इनका, अधिकतम कार्यकाल। तो जितने भी आज तक गवर्नर रहे हैं उनमें सबसे अधिकतम कार्यकाल किन का रहा? तो वो रहा बेनिगल रामा राव। कितना? 7 साल 197 दिन। ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैक्सिमम टेन्योर कितना था, तो 7 साल 197 डेज। क्लियर है यहां तक? तो एक बार यहां से कुछ नहीं लिखना है, वो पेज इसके ऊपर किया है। एक बार आप बगैर देखे एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं पहला गवर्नर कौन है। साथ के साथ बोलिए आपको समझ में नहीं आएगा कैसे चीजें याद हो गई, तो याद करने की आसान ट्रिक है। साथ के साथ आप क्लास में बोलते रहिए हाँ गवर्नर सर ऑसबोर्न स्मिथ। कब से कब? 35 से 37 तक। तो पहले गवर्नर थे सर ऑसबोर्न। दूसरे गवर्नर कौन आए? जेम्स ब्रेड टेलर। वो कब से 1937 से 43। वो क्यों इंपोर्टेंट थे? तो वो फर्स्ट डेप्यूटी गवर्नर थे इसलिए इंपोर्टेंट थे और अपने ही ऑफिस में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद थर्ड नंबर के जो गवर्नर आए वो आए सीडी देशमुख, पहले भारतीय गवर्नर थे। तो वो कब से कब थे? 43 से 49 तक सीडी देशमुख आरबीआई के गवर्नर थे। पहले भारतीय गवर्नर थे, आगे चल के भारत के वित्त मंत्री बने जिन्होंने बजट को हिंदी में भी प्रिंट करवाया 1955। आजाद भारत के पहले गवर्नर, गुलाम भारत के आखिरी गवर्नर, ब्रिटिश सरकार के अधीन वाले आरबीआई के आखिरी गवर्नर और भारत सरकार के अधीन वाले आरबीआई के पहले सीडी देशमुख। और इसके बाद जब चौथे नंबर के जो गवर्नर आए बेनिगल रामा राव, कब से कब आए? 1949 से 57। अब वो क्यों लिखे? तो उनका अधिकतम कार्यकाल मैक्सिमम टेन्योर, और मैक्सिमम टेन्योर कितना था? 7 साल 197 डेज। क्लियर है आ तक? अब आप लिखो डायरेक्ट 15वें नंबर के गवर्नर जो है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका कार्यकाल था 1982 से 85। 15वें नंबर के गवर्नर मनमोहन सिंह। तो ये इंपोर्टेंट क्यों है? भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, बस इसलिए को लिखवाया, एग्जाम में वैसे पूछा नहीं गया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, वो 15वें नंबर के गवर्नर थे आरबीआई के। कब से कब थे? 1982 से 85। फिर इनके बाद जो अगले गवर्नर आए 16वें नंबर के गवर्नर, वो इंपोर्टेंट रोल प्ले करके चले गए। क्यों करके चले गए? अमिताभ घोष 16वें नंबर के गवर्नर, तो 85 से लेकर 85 ही 15 जनवरी है 4 मात्र 20 मिनिमम 10 मिनिमम 10 ये स्लाइड आपको इसलिए खोल के दिखाई जा रही है ताकि आपको लिखने में आसानी हो, वरना बोर्ड में भी लिखी जा सके तो सारी चीजें बोलनी पड़ती है, यहां आप देख के लिख सकते हैं, इसलिए स्लाइड से पढ़ते हैं आपको। अमिताभ घोष 16वें नंबर के गवर्नर, अब वो क्यों इंपोर्टेंट रोल प्ले कर गए चले गए? मिनिमम टेन्योर, मैक्सिमम टेन्योर किनका? बेनिगल रामा राव। और टेलर में पजल नहीं होना है, तो टेलर दूसरे नंबर के थे और फर्स्ट डेप्यूटी गवर्नर थे, बेनिगल रामा राव फोर्थ नंबर के गवर्नर थे और मैक्सिमम टेन्योर था, और अभी अमिताभ घोष 16वें नंबर के गवर्नर थे, मिनिमम टेन्योर कितना टेन्योर था? 20 दिन। वो उस समय डेप्यूटी गवर्नर के पद पर कार्यरत थे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नर थे। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह हटे तो उनकी जगह पर जो डेप्यूटी गवर्नर थे अमिताभ घोष, उन्हीं को गवर्नर का अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया था गवर्नर पद का। उस टाइम पर डेप्यूटी गवर्नर के पद से वो नहीं हटाए गए थे, गवर्नर के पद का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था अमिताभ घोष के बाद 20 दिन के बाद आर एन मल्होत्रा 16वें नंबर के जो गवर्नर आए उनको अमिताभ घोष की जगह पर गवर्नर बना दिया गया। कब से कब थे? 85 से
बस ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अमित घोष के बाद कौन गवर्नर बना था, तो वो थे आर एन मल्होत्रा, वो था आपका 1985 से 1990। तो यहां तक सारे क्लियर हुए। तो हमने कौन कौन से नंबर के लिखे, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, फोर्थ, और उसके बाद 15, 16 और 17। अब उसके बाद आप लिखो डायरेक्ट 23rd नंबर के गवर्नर जो है हमारे रघुराम राजन या रघुराम गोविंद राजन, जो लिखना चाहो नाम लिख सकते हो रघुराम राजन। तो रघुराम गोविंद राजन लिखे या रघुराम राजन लिखे, इनको क्यों लिख रहे हैं, तो ये आरबीआई के सबसे यंगेस्ट गवर्नर थे, सबसे युवा गवर्नर, सबसे कम उम्र में जिनको गवर्नर बनाया गया, तो वो आपके कौन थे, रघुराम राजन। ये भी आपका एग्जाम का क्वेश्चन रह चुका है कि भाई सबसे यंगेस्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई तो वो कौन है, रघुराम गोविंद राजन। ये कब बनाए गए थे, 2013 में बनाए गए थे, तब तक रहे 2016 में, टेन्योर पूरा कंप्लीट 3 साल। तो आपने टाइम पे ध्यान दिया हो तो यूपीए सरकार के दौरान इनको आरबीआई का गवर्नर बनाया गया था 2014 में, एनडीए सरकार आ गई, बीजेपी सरकार आ गई, मोदी सरकार आ गई, तो उसके कार्यकाल में इसके पूरे 3 साल का टेन्योर पूरा हो गया था, तो 2 साल टेन्योर और एक्सटेंड किया जा सकता। लेकिन उस समय 2016 में बीजेपी सरकार ने ऐसा नहीं किया, इनकी जगह पर किन को ले आए, उर्जित पटेल। तो ये उस समय काफी सुर्खियों में रहे थे, उस दौरान ये क्वेश्चन पूछा गया था यंगेस्ट गवर्नर ऑफ आरएनसी कौन है, तो वो है आपके रघुराम गोविंद राजन। कब से कब रहे थे, तो वो रहे थे 2013 से 2016। और यंगेस्ट गवर्नर अगर आपने लिखा है तो एक मन में क्वेश्चन भी उठा होगा, दिमाग में क्वेश्चन भी आया होगा, तो कितने साल की उम्र में इनको गवर्नर बनाया गया, तो काम आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप डेट ऑफ बर्थ लिखिए 3 फरवरी 1963। तो 3 फरवरी 1963 इनकी डेट ऑफ बर्थ है रघुराम राजन की। वो बनाए कब गए थे, 4 सितंबर 2013, और 63 से 2013 अब आप कैलकुलेट कर सकते हो कितनी उम्र में इनको गवर्नर बनाया गया। तो रघुराम गोविंद राजन के बाद 26वें नंबर के जो गवर्नर आए कौन आए, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को कब बनाया गया था, 2016 में बनाया गया था, और कब तक रहे, 10 दिसंबर 2018 तक वो आरबीआई के गवर्नर रहे, और उन्होंने अपनी पारिवारिक समस्याओं का हवाला देते हुए अपने पद से 10 दिसंबर 2018 को इस्तीफा दे दिया। और आपने अगर 16 के ऊपर अगर ध्यान दिया, 4 सितंबर 2016, तो 2016 में एक अनोखी घटना घटित हुई थी, 8 नवंबर 2016 क्या घटना घटित हुई थी, मोदी जी रात को 8 बजे आए, ने बोला कि 500 और 1000 रुपए के नोट रात्रि 12 बजे से लीगल टेंडर मनी नहीं कहलाए जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो गए 12 बजे के बाद से नहीं चलेंगे, उन्होंने ये वर्ड बोला था कि 500 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर मनी नहीं कहलाए जाएंगे। तो ये लीगल टेंडर मनी क्या होता है, आगे हम पढ़ेंगे। तो नोटबंदी हुई, डीमोनेटाइजेशन हुई, तो डीमोनेटाइजेशन किन के समय पर हुई, तो वो हुई डॉक्टर उर्जित पटेल, कब हुई, 8 नवंबर 2016। और उस नोटबंदी में क्या किया गया था, 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए गए थे, जिनका मार्केट शेयर लगभग 85 से 86% है। तो मार्केट में जो लेन देन के माध्यम में यूज होते थे 1000 रुपए के नोट होते थे, जिन्होंने पूरी मार्केट को कैप्चर किया हुआ था लगभग 85%। फिर उर्जित पटेल के बाद इनको गवर्नर बनाया गया, तो वो वर्तमान समय के गवर्नर 25वें नंबर के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। तो 10 दिसंबर 2018 को इस्तीफा देने के बाद 2 दिन बाद 12 दिसंबर 2018 को शक्तिकांत दास जी को आरबीआई का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। तो 12 दिसंबर 2018 से आज तक इनकम्बेंट मतलब कार्यरत, अभी भी कार्यरत है, तो कौन है, शक्तिकांत दास। जैसे 3 साल का इनका टेन्योर पूरा हुआ 11 दिसंबर 2021 को, और 12 दिसंबर 2021 को अगले 2 साल के लिए इनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया था 11 दिसंबर 2023 तक। आज डेट कितनी है, 21 दिसंबर, तो 11 दिसंबर को ही इनके पूरे 5 साल का टेन्योर पूरा हो गया था, लेकिन इनकी इनको हटाया नहीं गया, इनका टेन्योर अभी और एक्सटेंड कर दिया गया। तो अभी ये कितने समय तक ये रहते हैं, तो वो तो देखने वाली बात है, सरकार कब बदलती है, लेकिन जब भी बदलेगी आप 26वें नंबर का गवर्नर आपको मिल जाएगा, उस समय फिर दोबारा आरबीआई सुर्खियों में रहेगा, दोबारा कई सारे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आरबीआई लगातार सुर्खियों में बना रहता है, इसलिए आरबीआई से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करता है हर 2 महीने में। तो
दो महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ ना कुछ चेंज हुआ, आरबीआई सुर्खियों में आ गया, करंट अफेयर्स में फिर दोबारा आ गया। आरबीआई का कोई ना कोई गवर्नर सुर्खियों में रहता है तो गवर्नर इंपोर्टेंट होता है, गवर्नर नहीं रहता तो क्या, गवर्नर सुर्खियों में रहता। तो ये थे हमारे कुछ गवर्नर जो कि हम लोगों ने लिखे, इंपोर्टेंट सारे थे। और कौन कौन से लिखे तो एक बार फिर अगर दोबारा रिवाइज करें बगैर देखे बता, पहले नंबर का गवर्नर कौन था, ओसबोर्न स्मिथ। फर्स्ट गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ, कब से कब, 35 से 37। दूसरे नंबर के गवर्नर जेम्स ब्रैड टेलर, कब से कब, 37 से 43। थर्ड नंबर का गवर्नर सी डी देशमुख, पहला भारतीय गवर्नर, कब से कब रहा, 43 से 39। तो आजाद भारत का पहला गवर्नर सी डी देशमुख, गुलाम भारत का आखिरी गवर्नर भी सी डी देशमुख, भारत सरकार के अधीन वाले आरबीआई का पहला गवर्नर सी डी देशमुख, ब्रिटिश सरकार के अधीन वाले आरबीआई का आखिरी गवर्नर सी डी देशमुख। उसके बाद फोर्थ नंबर के गवर्नर एनिगल रामा रहा, वो कब से कब, 49 से 57। मैक्सिमम टेन्योर 7 साल 197 दिन। तो ये चार लिखे। उसके बाद 15वें नंबर के गवर्नर ने डॉक्टर मनमोहन सिंह, 82 से 85 उनका टेन्योर। फिर 16वें नंबर के गवर्नर अमिताभ घोष, 20 दिन का टेन्योर, मिनिमम टेन्योर 85 से 85, जनवरी से फरवरी 85। फिर 17वें नंबर के गवर्नर अमिताभ घोष के बाद आए, वो कौन आए, वो आए आपके आर एन मल्होत्रा, 85 से 90। उसके बाद 23वें नंबर के गवर्नर आपके रघुराम गोविंद राजन, यंगेस्ट गवर्नर, सबसे युवा गवर्नर, वो कब से कब थे, 2013 से 2016। फिर उसके बाद 24वें नंबर के गवर्नर आए आपके उर्जित पटेल, तो वो थे आपके 2016 से आपके 10 दिसंबर 2018। वो उनके कार्यकाल के दौरान नोटबंदी हुई, 500,000 रुपए के नोट बंद किए गए, नया 2,000 रुपए का नोट जारी किया गया। वर्तमान समय में तो 2,000 का नोट भी बंद हो चुका है, तो सबसे बड़ा नोट आरबीआई द्वारा जारी किया गया है 500 रुपए, इसको हम अभी आरबीआई के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। 25वें नंबर का गवर्नर जो वर्तमान समय में भी है वो है आपके शक्तिकांत, तो 12 दिसंबर 2018 से वर्तमान समय में वो कार्यरत है, तो 25वें नंबर के गवर्नर हो गए आपके शक्तिकांत दास। तो ये टोटल हम लोगों ने 10 गवर्नर लिखे, और हर एक गवर्नर क्यों लिखवाया गया उसका फैक्ट आपको लिखवाया गया, आप भी लिखते वक्त भी आपको समझ में आ गया कि कोई इंपोर्टेंट है, याद करने लायक चीजें हैं, ऐसे ही आपको चीजें वो उठा के नहीं लिखवानी गई। अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो हर एक गवर्नर आपको किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया। आप हेड क्या होंगे, डेप्यूटी गवर्नर, लिस्ट ऑफ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। लिस्ट ऑफ डेप्यूटी गवर्नर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, आज की क्लास के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, चैनल से बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।